आज एक तारीखी बात करनी है आपसे जो पाकिस्तान में एक इंकलाब लेके आएगा। Imran, 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 Im
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں انسان اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے کامیابی وہ دیتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ 15 سال ہم نے محنت کی 15 سال ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آئے اور یہ جو 2 جماعتوں کی پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی اس کو ہم توڑ دیں اللہ رحمان و رحیم ہے اس نے ہماری آج آواز سن لی آج مینار پاکستان میں اللہ نے ہماری آواز سن لی ہے لیکن لوہاریو Thank you.
जिधर हम खड़े हैं, हम आज एक नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि इमरान खान आपने लाहौर से क्यों आगाज किया। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक ही बड़ा लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आजम ने 1940 में इधर से आगाज किया पाकिस्तान की तहरीक का। उसके बाद इलामा इकबाल मेरे नजरियाती लीडर, इलामा इकबाल ने भी कहा कि लाहौर को जीतना सबसे जरूरी है पाकिस्तान की तहरीक के लिए। और मैं कैसे भूल जाऊं दाता गंज बख्श को, अल्लाह ने दादा साहब को अफगानिस्तान बैठे थे उन्हें हुक्म किया कि लाहौर जाओ। यहां से उन्होंने आगाज करवाया इस्लाम का। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं कि कोई ताकत, ना वो आसिफ जरदारी और ना नवाज शरीफ, ये अब नहीं रोक सकते शराब को। वो एम्पीरियलिज्म के खिलाफ था,
उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और आसिफ जरदारी तुमने कमाल कर दिया। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, तुम्हारी वजह से तो 16,000 लोग बेचारे खुदकुशी कर बैठे हैं। लेकिन इससे बड़ा कमाल आपने क्या किया, गौर से सुने, नौजवानों सुना मेरी बात, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन कानी। उसको वो एक खत देता है अमरीकनों को ये कहने के लिए, उनको खत देता है अमरीकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। और मियां साहब खुदा के वास्ते ये परसों तुमने ये क्या पटवारियों का जलसा किया, अगर कोई जलसा करना था तो थोड़ी सी शेरी दिखानी थी, ये गीदड़ों का क्या जलसा किया वहां। साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप आसिफ जरदारी जैसे मगरमच्छों का कैसे मुकाबला करेंगे, आप मच्छरों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। चाहता हूं, मैं ये माजी के सियासतदानों की अब बात नहीं करना चाहता, आपको जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूं बड़े गौर से सुने, एक नए पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपका मुल्क एक बहुत अमीर मुल्क है, ये गरीब मुल्क नहीं है। हम मदनियात के जखीरों पे बैठे हुए हैं, जिस पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग है, जिधर बेचारा किसान 12-12, 18-18 घंटे उसका ट्यूबवेल नहीं चल रहा, जिधर शहरों के अंदर नौजवान पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं।
जिस पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गैस और बिजली नहीं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है, जो मुल्क तेजी से अंधेरे की तरफ जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उस मुल्क में 180 अरब टन का कोला पड़ा हुआ है, 180 टन, 180 अरब टन के कोले का मतलब कि पाकिस्तान दुनिया को बिजली बेच सकता है। 180 अरब टन कोले का मतलब कि इस मुल्क के अंदर ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो पानी से बिजली बन सकती है वो 60,000 मेगावाट है, वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें पैसा, कमीशन, रिश्वत नहीं बनती। आप सिर्फ, मैं आज आपको बताऊं, तहरीके इंसाफ जब आएगी सिर्फ एक काम करेगी, वापटा के अंदर जो जनरेशन प्लांट है जो 25% पे चल रहे हैं, अगर हमने उनको 70% पे चला दिया जो दुनिया में चलते हैं, पाकिस्तान का बिजली का मसला हल हो जाएगा। लेकिन करप्ट लीडरशिप ये नहीं कर सकती, इसकी तरीके इंसाफ की लीडरशिप इंशाल्लाह आपको करके दिखाएगी। दूसरी चीज, और आप मेरी गौर से बात सुने नौजवानों, गौर से मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है? करप्शन, करप्शन की वजह से बेरोजगारी, करप्शन की वजह से महंगाई, करप्शन की वजह से आज हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ टैक्स चोरी और करप्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हर साल हो रहा है? 3,000 अरब रुपया। फिर से सुन रहे हैं, 3,000 अरब रुपया सिर्फ करप्शन की चोरी, करप्शन की वजह से और टैक्स की चोरी से हो रहा है। ये कौन खत्म करेगा? ये तरीके इंसाफ खत्म करके दिखाएगी। कैसे, कैसे करेगी? सबसे पहले हम तहरीक इंसाफ एक कानून बनाएगी कि कोई पाकिस्तान की सियासत में नहीं आ सकता जो अपने एहसास डिक्लेयर ना करे। जिस दिन एहसास डिक्लेयर हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इन सबसे पूछेंगे कि जनाब, ये अरबपति आप कैसे बन गए, कैसे पैसा कमाया? एक वजीर कहता कि मुझे तो पता ही नहीं 4 करोड़ रुपया मेरे बैंक में आ गया, पता नहीं किधर से आ गया। आपके बैंक में कभी 4 करोड़ रुपया आया है? पता नहीं किधर से आ गया 4 करोड़ रुपया।
دوسری طرف ہمارے سارے سیاسی لیڈروں کی جائیداد اور پیسہ باہر پڑا ہے. کیوں پڑا ہے؟ کیوں پڑا ہے؟ کھانے بچے دے گا. کیوں پڑا ہے؟ پانچ منٹ اذان کا وقفہ, پانچ منٹ بڑی ضروری باتیں کرنی ہے, کھڑے رہنا. زرداری کر سکتا ہے؟ زرداری تو کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ اس ملک میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے, اور آپ کو یہ کرپشن جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا, ہم آپ کو کرپشن کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے. سب سے پہلے یہ بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہم انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے. ان کے ابھی تک پاکستان کا قرضہ کتنا ہے؟ بیرون ملک کا قرضہ 60 ارب ڈالر. سوئس بینک میں پاکستانیوں کا کتنا پیسہ پڑا ہے؟ تقریباً 100 ارب ڈالر. انشاءاللہ عمران خان لے کے آئے گا. اور تحریک انصاف پاکستان میں ظلم کیسے ختم کرے گی, یہ غور سے سنیں. ہمارے بچارا عوام چہری اور پٹواری کی سیاست میں چکڑا گیا, وہ تھانے دار سے بچتا ہے تو وہ جا کے پٹواری کے ہاتھ پھنس جاتا ہے, وہ بچارہ کچہری میں جاتا ہے, کچہریوں میں انصاف بکتا ہے ملتا نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو آج وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم پٹواریوں سے نجات حاصل کروا دیں گے. پاکستان وہ تھوڑے سے ملکوں میں رہ گیا جدھر ابھی بھی پٹواری بستے ہیں. اور پٹواری کیوں بستے ہیں؟ کیونکہ اگر پٹواری نہیں ہوگا تو قبضہ گروپ نہیں ہوگا, اور پاکستان کی اسمبلیاں قبضہ گروپوں سے بھری ہوئی ہیں, یہ کبھی پٹواری کو نہیں جانے دیں گے. اپنے سے یہ سوال پوچھیں کہ جیسے کوئی ایم این اے یا وزیر بنتا ہے اپنا پٹواری کیوں رکھواتا ہے؟ کیونکہ پٹواری اوپر تک مال دیتا ہے, آپ سے مال لے کے اوپر تک کھلاتا ہے. صرف ہم نے پاکستان میں ساری زمینوں کو کمپیوٹرائز کرنا ہے جو ساری دنیا میں, اور دوسری چیز ہم نے تھانے کو, ہم نے تھانہ کلچر کیسے بدلنا ہے؟ سب سے پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی بنانا ہے. آج اگر کراچی میں پولیس غیر سیاسی ہو جائے کراچی میں امن آ جائے گا. لیکن جب جماعتیں اپنے کارکنوں کو پولیس میں بھرتی کرواتی ہیں, مجرموں کو پولیس میں بھرتی کرواتی ہیں, دہشت گردوں کو پولیس میں بھرتی کرواتی ہیں,
उस मुल्क में उस शहर में अमन कैसे आ सकता है। हम इंशाल्लाह पहले तो पुलिस को गैर सियासी करेंगे, उसके बाद थानेदार की इलेक्शन होगी। जिस तरह अमरीका में शेरिफ की इलेक्शन होती है, जब थानेदार अवाम से इलेक्ट होके आएगा वो कभी अवाम के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। आजाद करना है, बेचारे गुलाम है। गुलाम क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर थाने में जुल्म करवाता है ताकतवर, उनकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है। 60% अदालतों में केसेस थाने की वजह से या जमीन की वजह से या पटवारी की वजह से। हम पटवारी को तो गायब ही कर देंगे और थाने को तब्दील कर देंगे, और फिर तहरीक इंसाफ एक बल्दियाती निजाम लेके आएगी पाकिस्तान में, जो कभी कोई जमहूरी हुकूमत नहीं लेके आती। वो क्यों नहीं लेके आती? क्योंकि माल बनाना होता है, पैसा खाना होता है, लोगों को गुलाम बनाना होता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि गांव के सतह के ऊपर लोगों को आजाद करेंगे, गांव की सतह पे लोगों को मुफ्त इंसाफ दिलवा के दिखाएंगे आपको। बेचारे गांव के लोग थाने और कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। ये जो बड़े बड़े दो नंबर सियासतदान जो थानेदार रखवा के लोगों पे जुल्म करवाते हैं, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, इनके दिन खत्म होने वाले हैं। बल्दियात बल्दियात की सतह के ऊपर हम बल्दियाती पंचायतों के नीचे प्राइमरी स्कूल डालेंगे, हेल्थ यूनिट इंशाल्लाह डालेंगे, ताकि गांव के लोगों को अपनी जिंदगी पे इख्तियार हो। ये नहीं कि वो भागे आए खादमे आला के पास लाहौर धक्के खाते फिरे, ये नहीं। गांव के ऊपर गांव को हम खड़ा करेंगे, इख्तियार देंगे, उनको अपने पैर पे खड़ा करेंगे, उनको आजाद कर देंगे। मैं अच्छा, ये मुझे अभी पता चला है कि फिर से केबल चैनल बंद कर दिए हैं। मैं शरीफ ब्रादरान, मेरी गौर से आवाज आप सुनो, तुम्हें आदत पड़ी हुई है एम्पायर साथ मिला के मैच खेलने की। ये तुम्हें एम्पायर नहीं बचा सकेंगे। इंशाल्लाह ये अवाम का सिलाब जो आ रहा है, आप चाहे चैनल बंद भी करवा दें, आप जो मर्जी कर लें, ये अब आप ये तब्दीली का इंकलाब आप नहीं रोक सकते। बलोचिस्तान के लोगों के लिए, बलोचिस्तान वो इलाका है जिधर सिर्फ जो तांबे के जखीरे हैं वो 260 अरब डॉलर के हैं। बलोचिस्तान वो इलाका है जिधर सुई गैस के साथ एक और जैन गैस मिली है उनको, जो सुई गैस से भी ज्यादा गैस पड़ी है उधर। बलोचिस्तान वो इलाका है जिस इलाके के ऊपर हमने बड़ा जुल्म किया है,
بلوچستان کے لوگوں سے ہم نے ظلم کیا ہے، طریقے صاف اپنے بلوچی بھائیوں کو ساتھ بلائے گی، ہم ان کو اپنے ساتھ بلائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ملٹری آپریشن ختم کریں گے، ٹارگٹ کلنگ ختم کریں گے، اپنے بلوچی بھائیوں کو بھائی بنائیں گے، کالونی نہیں بنائیں گے، بھائی بنائیں گے۔ میں نے ابھی بھی اختر مینگل سے بات کی، میں ابھی کرنے لگا ہوں، جو نواب کلات کا بیٹا ہے اس کے ساتھ بھی میں بات کروں گا، ان سے ملاقاتیں کریں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف ایک انصاف کی تحریک ہے، آپ سے انصاف کریں گے، آپ کو بھائی بنائیں گے، آپ کو پاکستان میں وہ سٹیٹس دیں گے جو ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں دیا۔ دہشت گردی کی جنگ پہ، یہ جو امریکہ نے جنگ، امریکہ کی جنگ ہمارے حکمرانوں نے ڈالروں کے لیے اپنائی، پہلے تو میں آپ سب کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، شرم آنی چاہیے، اپنے لوگوں کا خون بیچا تم نے ڈالروں کے لیے، تمہارا انشاءاللہ میں جو ذمہ دار ہے ان سب کو ہم انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے۔ تینتیس ہزار پاکستانی مروائے تم نے، عورتیں بچے مروائے ڈالروں کے لیے، جو لوگ بچے کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹان نہیں، ڈالر کے پوجا کرنے والے ہو، تمہارا ہم احتساب کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز اور ڈرونز کی وجہ سے دہشت گردی ملٹنسی بڑھ رہی ہے، بدلہ لینے کے لیے لوگ طالبان بن رہے ہیں، اس ملٹری آپریشن سے نہ دہشت گردی کم ہو رہی ہے، نہ انتہا پسندی کم ہو رہی ہے، اور نہ ہی امن کے کوئی چانس ہے۔ اور ان سب نے یہ کہا، یہ غور سے سنیں، جو تحریک انصاف کا موقف تھا ان سب نے کہا کہ اگر پاکستانی فوج قبائلی علاقے سے نکلتی ہے اور اگر ہم امریکہ کی جنگ سے نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم قبائلی لوگوں کے اوپر آپ چھوڑ دو، ہم خود ہی دہشت گردی ختم کر دیں گے۔ قبائلی علاقے میں 10 لاکھ مسلح لوگ رہتے ہیں، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کے اوپر بمباری کر کے، ڈرون اٹیکس کروا کے ہم نے ان کو دوسری طرف بھیج رہے ہیں، ان کو انتہا پسندی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تحریک انصاف ڈائلاگ کرے گی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرے گی، ان کو اپنے ساتھ بلائے گی، اور اصل دہشت گردوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ اور امریکہ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئے گی ہم دنیا میں سب کے ساتھ دوستی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بھی دوستی کریں گے، لیکن غلامی نہیں کریں گے۔ ہم
से हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के निकल जाएं, लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। तहरीके इंसाफ सबसे पहले चीज दो चीजें कहेगी, गौर से सुने, दो चीजें कहेगी। पहले तहरीके इंसाफ ये कहेगी कि कभी पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और दूसरा, पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। क्या आप मुझे यह बताएं कि कायद आजम किसी से भीख मांग सकता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अपने लोगों के हम खड़ा करेंगे। ये वो काम है, पाकिस्तान की कौम की गैरत को बुलंद करेगी, हर एक पासपोर्ट की इज्जत करवाएगी। दुनिया में नौजवानों, मेरा वादा है, आप दुनिया में जिधर हर एक पासपोर्ट लेके जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह करप्शन खत्म करके, कानून की बालादस्ती कायम करके, आजाद नैब बना के, आजाद अदालतें बना के, इस मुल्क में इतनी सरमायाकारी आएगी इंशाल्लाह, इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने डॉलर आएंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क में डॉलरों की बारिश कर देंगे। ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। नौजवानों, मेरी बहनों, मैं अब पैगाम खास देना चाहता हूं अपने मजदूरों को। जितने हमारे मजदूर हैं ये सुन लें कि हम आपको वो आपके हकूक दिलवाएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिए। हम आपके साथ खड़े होंगे इसलिए नहीं कि मैं आपके सामने कुछ सियासी नारे मार रहा हूं, इसलिए कि मैं एक मुसलमान और इंसान हो के ये मेरा फर्ज है कि हम कमजोर तबके के साथ खड़े हों। आज मजदूर, आज पाकिस्तान का मजदूर मारा गया, महंगाई ने उसको बर्बाद कर दिया। हम अपने मजदूरों के साथ खड़े होंगे, आपको हुकूक दिलवाएंगे, बल्कि मैं एक कदम आगे जाता हूं। हम जो घर में मुलाजिम हैं, लोग जो मुलाजमत करते हैं जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कई दफा कई लोग जानवरों की तरह रखते हैं, हम मुलाजमों को हुकूक दिलवाएंगे इंशाल्लाह घरों में। और मैं अब खवातीन को कहना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान की खवातीन के लिए मेरा यह पैगाम है कि तहरीके इंसाफ वो जमात है जो आपके हकूक दिलवाएगी।
सबसे पहले हम तालीम, हम खास तौर पे ख्वातीन की तालीम को इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे कि जब औरतों को तालीम मिलेगी वो खुद ही अपने हकूक के लिए खड़ी हो जाएंगी। दूसरी चीज, और मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना था, जो औरतें, जो बेचारी औरतों को और अक्सर औरतों को जायदाद में जो शरिया में हिस्सा लिखा हुआ है वो नहीं मिलता बेचारियों को, हम दिलवा के दिखाएंगे उनको। और मैं खातिन को ये भी कह दूं कि जब कानून की बालादस्ती होगी कोई ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारे मुल्क में जो अकलियतें हैं, मुस्लिम बिरादरी है, हिंदू है, सिख है, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी, कोई ज्यादती आपसे नहीं होने देगी, आपके हकूक के साथ खड़े होंगे। और मैं कश्मीर के मुतालिक कहना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकी। क्या अमरीकी कामयाब हो गए अफगानिस्तान में? क्या हिंदुस्तान की फौज अमरीका से ज्यादा ताकतवर है? तो जब अमरीकी नहीं कामयाब हो सके, आप 7 लाख फौज जो जुल्म कर रही है शहरियों पे, आप कैसे कामयाब होंगे? कश्मीरियों को उनके हकूक दो, फौज को वापस बुलाओ, ये हर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनके हकूक के लिए हर फोरम पे बात करेगी। फॉरेन पॉलिसी में हम चाइना से दोस्ती करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, चाइना की मदद लेंगे। आज रात मैं चाइना की गवर्नमेंट के इनविटेशन पे, मैं आज रात चाइना दौरा करने जा रहा हूं गवर्नमेंट के इनविटेशन पे। के साथ मजबूत करेंगे अपने ताल्लुकात। को जाने से पहले एक पैगाम देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं तहरीक इंसाफ के वो नजरियाती साथी जो 15 साल से हमारे साथ मार खा रहे हैं उनको मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं अपने तहरीक इंसाफ के नौजवानों को जो आज इतनी दूर दूर से शिरकत करने आए हैं, आपको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। और आखिर में अब मैं हुकूमत को जो पैगाम देना चाहता हूं, आज ये मीनारे पाकिस्तान का मजमा गौर से सुन ले। मैं आज असल जरदारी आपकी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूं,
सबसे पहले हम आपको अब चंद महीने देंगे जिसमें आज सारा मजमा और सारा पाकिस्तानी कौम आपसे एक चीज चाह रही है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपने हिसाब से डिक्लेयर करो तरीके साहब एक सेल बना रही है इस सेल के अंदर हम तीन चार दो तीन महीने में सारे सियासतदानों के एहसास से उनकी खुद तफ्तीश करेंगे उसके बाद हम आपसे डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अपने एहसास डिक्लेयर करें क्योंकि जब तक एहसास से आप डिक्लेयर नहीं करेंगे ना करप्शन खत्म हो सकती है ना टैक्स इकट्ठा हो सकता है ना पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो सकता है उसके बाद अगर आपने चंद महीने का मैं भी से आपको कह रहा हूं फिर ना कहना जमहूरियत खतरे में है क्योंकि जमहूरियत तो आप खतरे में डाली हुई है आपने ये हमारा हक है ये सारे पाकिस्तानियों का हक है कि हम हुकूमत से पूछें कि इनके बड़े बड़े वजीर अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने सच सच अपने एहसास से डिक्लेयर करो और अगर आपने ना किया आज गौर से सुनने फिर ना कहे हमने आपको बताया नहीं था हम सिविल पना फरमाने की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे ये वक्त नहीं है सोने का से बचाना है आपने बचाना है हमने बचाना है और जब मैं फिर से कह दूं अगर आपने चंद महीनों में एहसास ना डिक्लेयर किए हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के पास आजाद इलेक्शन कमीशन के लिए भी जाएंगे क्योंकि आप तो न्यूट्रल एम्पायर से मैच नहीं खेल सकते और हम अगर आपने ना किया सारे पाकिस्तान के शहरों में तहरीक इंसाफ के नौजवान सारे पाकिस्तान के शहर भी बंद कर देंगे और सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू कर देंगे और आज मैं ये जलसा जब खत्म हो रहा है मैं सारे पाकिस्तान को मुबारक देता हूं मुझे पता है बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जलसा देख रहे हैं सारे जो हमारे मेहनत कश बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि तब्दीली ने आ नहीं रही तब्दीली आ गई है अच्छा आप आखिर में एक बार फिर इस तारीखी जगह पे हम पाकिस्तान का नेशनल एंथम बड़े एहतराम से सुनेंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने मोबाइल फोन से अभी SMS करें और तरीके इंसाफ के मेंबर बन जाए कोई भी ब्लैंक SMS आप भेज दें खाली SMS 8002 8002 इसी पर नेशनल एंथम पाकिस्तान जिंदाबाद game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live
the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?